थैंक यू मिस्टर चेयरमैन क्या आपने मौका दिया। मिस्टर स्पीकर, अगर इस मिनी बजट को सिर्फ मिनी बजट कहा जाए तो ये ज्यादती होगी। ये एक इकोनॉमिक बॉम्ब है जो एक दफा फिर इस गरीब आवाम पर फटेगा और लोगों की तकलीफ में इजाफा होगा। चलिए, बेंचे सियासत उमर साहब ने हमें बताया कि 2018 से लेकर 21 तक पाकिस्तान की माशी हालत इतनी बेहतर हो गई है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। तो मेरा सवाल यह है उनसे कि अगर मुल्क इतना ही अच्छी राइट डायरेक्शन में चल रहा था तो फिर इस मिनी बजट की जरूरत क्यों पेश आई? फिर चार चार फाइनेंस मिनिस्टर की तब्दीली क्यों महसूस की गई और अब 350 बिलियंस के जो टैक्सेस हैं वे क्यों लगाने पड़े? एक हकीकत हकूमत के मुताबिक है और एक हकीकत असल हकीकत है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। मेरे लिए सबसे जरूरी बात, और मैं समझता हूं इस ऐवान में बैठे हुए हर शख्स के लिए यह सवाल जरूरी होगा कि क्या यह बजट माजी के बजट के से मुख्तलिफ होगा या इस बजट में भी गरीबों का खून चूसा जाएगा, क्या उनका माशी कत्ल किया जाएगा? मिस्टर स्पीकर, 2018 से लेकर 2021 तक हुकूमत के तीन साल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। इन तीन सालों में इस हुकूमत ने जो पाकिस्तान को तोहफा दिया है वो गुर्बत का है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी गुर्बत नहीं हुई। इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटिंग, हाईएस्ट एवर, बेरोजगारी और बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल नियर टू जीरो और नियर टू डाई। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें पाकिस्तान की तारीख में, इवन के हम बड़ा प्राउडली ये क्लेम करते हैं कि हम एग्रीकल्चर कंट्री है, मगर इन स्पाइट ऑफ दिस हाईएस्ट एवर प्राइसेस, पर कैपिटा इनकम अ साइजेबल रिडक्शन, डीवैल्यूएशन, डॉलर पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना उसकी प्राइस नहीं थी। कॉस्ट ऑफ लिविंग, आज पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स तकलीफ में मुब्तला है और अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा। गैस की प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, ये एग्रीकल्चर की जो इनपुट्स हैं उसकी प्राइसेस, यानी कि तीन साल में इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और पॉवर्टी दी है। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब को आईएमएफ के पास इन शराइत पे मानने की जरूरत और लोगों का माशी कत्ल की इजाजत क्यों देना पड़ी? क्योंकि ये तीन साल में अपने किए हुए वादे जो इन्होंने पाकिस्तान को ख्वाब दिखाए थे, इनकी वो कॉम्पिटेंसी नहीं थी और तीन साल में इन्होंने कोई वो टारगेट अचीव नहीं किया जिससे पाकिस्तान स्टेबलाइज होता और आज इन्हें आईएमएफ के पांव ना पड़ना पड़ता। ये कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, कप्तान आईएमएफ के आगे लेटा हुआ है और अब जिद लगाए बैठा है कि अब मैं डट के लेटा ही रहूंगा। मिस्टर स्पीकर, स्ट्रेट वे कमिंग टू दिस मिनी बजट, मैं नहीं समझता कि इस मिनी बजट से पाकिस्तान की आवाम को कोई फायदा होगा। हमने कोई चीज भी ऐसी नहीं छोड़ी
जिस पे हमने टैक्स नहीं लगाया, बच्चों के दूध से लेकर ये बच्चों के दूध पे टैक्स लगाया, जीएसटी अक्रॉस द बोर्ड 17%, बेकरी, अंडे, रेड चिलीज और कोई भी ये रॉ मटेरियल ऑफ मेडिसिन आगे लोगों की पहुंच से दवाइयां दूर हैं। और इससे क्या आप समझते हैं कि लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा? मैं या आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ पब्लिक वोट, मैं किसान की भी आवाज हूं, मैं मजदूर की भी आवाज हूं, मैं सैलरीड क्लास बंदे की भी आवाज हूं और मैं ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये मेरी जिम्मेवारी है कि लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वो 30,000 की तनख्वाह में किस किस चीज को प्रायोरिटाइज करें? अपने बच्चों के स्कूल की फीस दें, ट्यूशन की फीस दें, अपने माँ बाप के लिए दवाइयां लाएं, अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करें, बिजली के बिल दें। आप इस मिनी बजट में डिबेट कर रहे हैं, मगर प्लीज इस मिनी बजट के बाद जो गरीब आवाम पर इसका इंपैक्ट आएगा उसकी हीट को भी फील कीजिए। प्लीज मैं ऑनरेबल मेंबर्स फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस से ये दरख्वास्त करता हूं कि मेरी तरह आप भी अपने हलके की नुमाइंदगी करते हैं तो प्लीज अपने एक वोट से अपने लोगों के माशी कत्ल की इजाजत ना दें। ये लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं कि जिस बाप के सामने उसका बच्चा तकलीफ में हो और वो उसे दवाई ना दे सकता हो, कर सकता हो, तो उस बाप पे क्या बीतेगी? मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं ऑनरेबल ट्रेजरी मेंबर से कि प्लीज टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड इन दिस कि ये जो मिनी बजट है ये मिनी बजट नहीं है, ये बॉम्ब है, बॉम्ब जो लोगों की जिंदगियों को रोल देगा। आज 3 साल में गरीब पहले ही पिस चुका है, 2 वक्त का खाना उसके पास नहीं है। अपने अपने रोजमर्रा की जरूरियात को वो पूरी नहीं कर पा रहा और हम या उसको टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर बेशर्मी और नलायकी पे टैक्स होता तो हुकूमत और वजीर आजम सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले होते। मैं इस उम्मीद के साथ और जस्ट लास्ट 2 मिनट में मैं बात यह करना चाहता हूं कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट ने इस बजट में कम कर दिया। मिस्टर स्पीकर, मेरे हलके की एक रोड है जो आधी कंप्लीट हो चुकी है, गंडा सिंह टू हुसैन खान वाला। अगर मेरे लोगों ने मुझे वोट देकर यहां भेजा है, अगर गवर्नमेंट मुझे फंड्स नहीं दे सकती तो भाई आपने हारे हुए बंदे को ही पैसे दे दे, मगर वो रोड तो रिपेयर करवा दे। हमारी जो मेन रोड है कसूर टू लाहौर, अब उसका वही हाल है जो इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान का कर दिया। और मैं आखिर में ये बड़े हुकूमत के दावे बातें कर रहे थे कि हमने हर चीज जो है अप टू मार्क कर दी है। खुदा की कसम मिस्टर स्पीकर, उधर हमारे मुराद के कोर्ट और बाकी सारे इलाके में, मुनहिका इलाकों में गैस ही नहीं आती, प्रेशर ही नहीं है। और ये लाउडली क्लेम करते हैं जी कि हमने वो भी कर दिया, ये भी कर दिया, हमने टॉक शो में ये कर दिया जी। थैंक यू। और लास्ट वर्ड, लास्ट मिस्टर स्पीकर, बाय योर काइंड परमिशन, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें नॉन टैक्स पेयर और टैक्स पेयर को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। हमें कम से कम जो लोग टैक्स देते हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें इंसेंटिव देना चाहिए, एज ए सॉर्ट ऑफ कि हम उनके बच्चों की एजुकेशन में कोई उन्हें फैसिलिटी दे, उनकी हेल्थ में, उनकी मेडिकेशन में, ताकि कम से कम एक डिफ्रेंशिएट जरूर हो। जो सैलरीड क्लास है टैक्स देते हैं और महंगे इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें यह सहारा जरूर होना चाहिए कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेयर एंड नॉन टैक्स पेयर। तो मैं ये चाहूंगा कि ये मेरी 20 तजवीज नोट कर ली जाए। एंड थैंक यू जी। इस वक्त हाउस